था कि जनाब के हाथ में फोन नहीं है, इसीलिए फोन नहीं उठाया। वरना एक या दो बेल पे तो उठा ही लेते हैं आप। वो एक्चुअली मैं रमशा को उसके रूम तक छोड़ने गया था, तो उसने मुझे वहीं बैठा लिया। ओ, अच्छा। और बताओ, खाना खाया है तुमने? जी खा लिया। और आपने? नहीं, अभी नहीं खाया। क्या बात है बीना, तुम्हारी आवाज की चहक एकदम से खत्म क्यों हो गई? नहीं नहीं कुछ भी नहीं। कम ऑन बीना, देखो तुम्हें रमशा से डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो पहले जैसी नहीं रही, बहुत बदल गई है। क्या मतलब बदल गई? निहाल, उसने आपके लिए अपने हाथ की नस काट ली है और आप ये कह रहे हैं? बिना मेरी बात तहमल से सुनो, तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, और ये बात सच है कि रमशा ने दूसरे लड़के से शादी करने के प्रेशर में और मेरे इनकार की वजह से अपनी कलाई काटी है। अगर मेरी वजह से या तुम्हारी वजह से रमशा को कुछ हो जाता है, तो मैं या तुम कभी भी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। तो फिर क्या करेंगे आप? हाँ, क्या करेंगे आप कि वो ये हरकत दोबारा ना करे? से शादी? स्टॉप इट बीना, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? असल में मैं रमशा के ऐसे करने पे परेशान हो गया था। मैंने इसीलिए अमान से मशवरा किया और उसने मुझे सजेस्ट किया कि बजाय उसके कि मैं उसे बार बार रिजेक्ट करूं, मुझे एक दफा दोस्ती का हाथ बढ़ा के देखना चाहिए, शायद वो बात समझ आए। अगर मैं इसी तरह अच्छा रवैया उसके साथ रखूंगा तो हो सकता है कि वो बदल जाए, वो जैसी पहले थी वो वैसी ना रहे। अब मेरे शौहर हैं नेहा, रमशा ने आपके और मेरे दरमियान नफरत पैदा करने के लिए जो कुछ किया है वो मुझे खौफजदा करने के लिए काफी है। आप मेरी इनसिक्योरिटीज को समझने की कोशिश तो कीजिए। आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें ऐसे नहीं डालना चाहिए था, पर मैं चाहता हूं कि तुम रमशा के मामले में मुझ पर पूरा भरोसा रखो। प्लीज बिना, मेरी कजन है, मेरी बचपन की दोस्त है, मैं उसको इस हालत में इस तरह नहीं छोड़ सकता। बिना, मैंने तुमसे मोहब्बत करके उसे इस हाल तक पहुंचाया, pretty much responsible. मुझे ही इस सूरत हाल को ठीक करना होगा। मेरा इस तरह उससे दूर हो जाना और उसकी आंखों के सामने किसी और का हो जाना, it's pretty tough on her. मैं अगर दोस्त बन के उसको यही बातें समझाऊं अच्छे से, तो हो सकता है कि वो मेरी बात मान ले। हाँ, मैं उसे ये भी समझा दूंगा कि मेरे दिल में जितनी मोहब्बत थी, जितनी वफा, वो सब मैंने बीना के नाम कर दिया। जो मेरी पहली मोहब्बत है। आप मेरे लिए बहुत कीमती। तुम भी बीना बहुत कीमती हो तुम मेरे लिए। निहाल सिर्फ तुम्हारा है और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। दिस इज निहाल, आई लव यू। अजीब लड़की हो वैसे, मेरे लिए तड़प भी रही हो, रो भी रही हो, और आई लव यू का जवाब भी नहीं दे रही मैडम। हाँ, मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं। आता तो है मैडम, पर ये जो गुरूर है ना आपने, ये आपके हलक से बाहर नहीं निकलने देते। बोल फास। लेकिन मुझे पूरा यकीन है, आज नहीं तो कल जरूर आएगा, ने भी मेरे मरने के बाद। खबरदार आइंदा ये बात किया।
के बगैर अपनी जिंदगी सफर भी नहीं कर सकती मैं। मैं भी I love you too.